चलिए बेटा आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और जो ये हमारा टॉपिक है ये कॉमन चैप्टर है, यानी कि पार्टनरशिप का जो हम चैप्टर एक कर रहे हैं उसके अंदर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट, ये चारों चैप्टर्स के अंदर वर्क करेगा। ठीक है, इससे पहले हम एक और टॉपिक कर चुके हैं, दैट इज रिवैल्यूएशन अकाउंट। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट, एक मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। पहले दोनों का डिफरेंस समझते हैं और उसके बाद मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन स्टार्ट करते हैं। और रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है, और उसकी डिटेल अगर आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप उसे पहले देख सकते हैं तो ये ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है बेटा, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है और रिवैल्यूएशन अकाउंट है क्या। बेटा जब भी पार्टनरशिप, यानी कि हमारी जब भी पार्टनरशिप को रिकंस्टिट्यूट किया जाता है, ठीक है, रिकंस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ लीजिए साथ के साथ। रिकंस्टिट्यूशन का मतलब होता है पुरानी पार्टनरशिप टूटती है और नई पार्टनरशिप बनती है। अच्छा, ऐसा कब होता है? ये होगा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। पुराने पार्टनर्स हैं, जैसे मान लीजिए एबीसी पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:3:2। एक एग्जांपल ले रखा है, एबीसी पार्टनर है 5:3:2 ओल्ड रेशियो, लेकिन अब इन्होंने सोचा कि हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे और 3:2:1 कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करेंगे तो सबसे पहले पुरानी पार्टनरशिप हमारी ब्रेक होगी और फिर एक नई पार्टनरशिप को हम कंस्टिट्यूट करेंगे, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म। यानी कि चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ये रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म है। ठीक इसी तरीके से एडमिशन में होता है कि तीन पार्टनर है, चौथा पार्टनर अगर आ रहा है तो पहले तीन पार्टनर जो है इनकी फर्म जो है वो ब्रेक होगी और फिर चार पार्टनर्स की एक नई पार्टनरशिप फर्म बनेगी। इतनी बात समझ में? फिर रिटायरमेंट और डेथ, उसमें भी सेम केस होता है कि पुरानी पार्टनरशिप टूटती है और नई पार्टनरशिप क्रिएट होती है। बेटा याद रखना, ये जो चीजें मैं कह रहा हूं ब्रेक हो रही है, इसके अंदर क्या चीजें ब्रेक हो रही है आप मिसअंडरस्टैंड नहीं कर जाना। ये हमारी पार्टनरशिप फर्म नहीं टूट रही है, ये पार्टनरशिप डीड जो इन्होंने बनाई थी उसको ब्रेक करके एक नई पार्टनरशिप डीड और एक क्या कहते हैं कि एग्रीमेंट वो तैयार करेंगे। हमारी फर्म एज इट इज है, अगर हमारी फर्म टूटेगी तो वो तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होना, चीजों को क्लियर करना कि पार्टनरशिप फर्म है या पार्टनरशिप आपस में सिर्फ पार्टनर्स आपस में कुछ रिकॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, फर्म का टूटना अलग होता है, वो एक अलग से हम चैप्टर पढ़ेंगे जिसके अंदर क्या होगा कि हमारी जो पूरी पार्टनरशिप फर्म है उसको हम डिसॉल्व करेंगे। ठीक है, टॉपिक स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। कॉमन टॉपिक है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। बेटा इससे पहले हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट पढ़ा था, उसका एक दो मिनट के अंदर हम एक बार रिव्यू करते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। बेटा रिवैल्यूएशन अकाउंट ये होता है कि जब भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म होता है तो हम उसमें करते क्या है कि जो पुराने एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं, यानी कि जो भी हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटीज होती है, तो एसेट्स का हम क्या करते हैं उसको रिवैल्यू करते हैं और लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करते हैं और देखते हैं कि उनकी वैल्यूज में कोई चेंजेस तो नहीं आया। अगर उनकी वैल्यूज में कोई चेंजेस आए होते हैं तो उसको हम क्या करते हैं उनकी अपडेटेड वैल्यू पे, यानी कि रिवाइज वैल्यू पे लिखते हैं। एक एग्जांपल मान के चलते हैं, एसेट्स और लायबिलिटीज है, मैंने चार पांच एग्जांपल लिख रखे हैं। मैंने लिखा है इनकी ओल्ड वैल्यूज तो ये थी किताबों में, लेकिन जिस दिन रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म हो रहा है तो पता चला अब इनकी वैल्यूज ये हो गई। ठीक है, तो कुछ चीजें अप होंगी, कुछ डाउन होंगी और इसका फिर हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगर मान लीजिए कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, चाहे चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ या फिर कुछ भी हो, है ना, तो उसके अंदर हम क्या करते हैं, अगर आप ये चाहते हो कि जो नई फर्म अब बन रही है, ठीक है, जो रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है और उसके अंदर अब आप वैल्यू कौन सी लिखना चाहते हो, जैसे कि बिल्डिंग मेरी पहले कीमत थी 5 लाख, आज मैंने इसको रिवैल्यू करा तो इसकी कीमत हो गई 6 लाख रुपए। अब जब आप नई बैलेंस शीट की फॉर्म बनाओगे, मतलब फॉर्म की नई बैलेंस शीट बनाओगे, तो आप उसके अंदर कौन सी वैल्यू लिखना चाहते हो, अगर आप पुरानी वैल्यूज लिखना चाह रहे हो या आप नई वैल्यू लिखना चाह रहे हो। अगर आप नई वैल्यू लिखना चाह रहे हो तो आपको बनाना होता था रिवैल्यूएशन अकाउंट, यानी कि हमने जो वैल्यू थी इसको रिवैल्यू कर दिया। लेकिन अगर पुरानी वैल्यूज को ही आप एज इट इज शो करना चाहते हो तो आपको यहां पे बनाना पड़ेगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, फिर से सुनना और समझना, मैं ये कह रहा हूं अगर नई किताबों में नई वैल्यू शो करना चाहते हो तो नई किताबों में नई वैल्यू का मतलब हो गया ये वाली वैल्यू शो करना चाहते हो तब तो हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। लेकिन चाहते कि नहीं चीजें ये वाली नजर आए नई किताबों में तब हम बनाते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। याद रखना नई वैल्यू शो करनी है तो इसके पास हमारे दो तरीके हैं, एक तो हम जनरल एंट्री भी पूछी जा सकती है एग्जाम में फर्स्ट,
और सेकंड आपसे अकाउंट पूछेगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर हमसे ये चीज पूछी गई तो इसके लिए आपसे क्या क्या चीजें पूछी जा सकती है, जर्नल एंट्री पूछी जा सकती है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछा जा सकता है, या फिर क्या ये भी आपसे कह सकते हैं कि कोई स्टेटमेंट आप बना दो, ठीक है। तो इसको हम तीन तरीके से करना सीखेंगे, जर्नल एंट्री, फिर उसके बाद अकाउंट भी हम सीखेंगे, और उसके बाद अगर हम जर्नल एंट्री और अकाउंट नहीं करना चाहते हैं, जैसे कि जर्नल एंट्री पास नहीं करना चाहते या फिर अकाउंट नहीं हम बनाना चाहते, तो इसके अलावा एक और क्या तरीका है जिससे हम इस आंसर को कैलकुलेट कर सकते हैं और उसका नेट इफेक्ट हम निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हम सीखते हैं, ठीक है। अब मैंने इसके लिए सबसे पहले एक एग्जांपल ले लिया है, क्या कि एबीसी तीन पार्टनर्स हैं, इनका पुराना रेशियो दे रखा है 5:3:2 और न्यू रेशियो दे रखा है 3:2:1, ठीक है। इन्होंने आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करा। अगर ये चाहते हैं कि हम जर्नल एंट्री पास करें, अच्छा दोनों में फर्क क्या है तो आप पहले समझ चुके हो, नई वैल्यू शो करना चाहते हो तो, अगर ये रिवाइज्ड वैल्यू और न्यू वैल्यू शो करना चाहते हो तो हम क्या बनाएंगे, रिवैल्यूएशन, और अगर पुरानी वैल्यू शो करना चाहते हो तो क्या करेंगे, हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। सबसे पहले इनकी जर्नल एंट्री पास करना शुरू करते हैं और एक एक करके फिर इसकी पोस्टिंग करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है बिल्डिंग, बिल्डिंग की कीमत थी 5 लाख, लेकिन अब वो कितने की हो गई, 6 लाख रुपए। तो मैं सबसे पहले यहां पे पहली जर्नल एंट्री पास कर देता हूं, क्या है, बिल्डिंग। अब बिल्डिंग की कीमत बढ़ेगी तो हम क्या करेंगे, बिल्डिंग को डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू, अब हम कौन से अकाउंट के थ्रू एंट्री पास करेंगे, अब हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ही बनाएंगे, इस केस में हम मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा उसको मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट से उसकी एंट्री पास करेंगे। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं MRA, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितनी कीमत आ जाएगी, 1 लाख एंड 1 लाख, ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं यहां पे एक थोड़ा सा स्पेस छोड़ देता हूं, ठीक है। अब हम आएंगे दूसरी एंट्री के ऊपर, मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि ये चीजें हो क्या रही है। फर्नीचर कितना है, फर्नीचर था 3 लाख का, अब हो गया 2.5 लाख का, फर्नीचर की कीमत घट रही है, तो फर्नीचर एक एसेट है, नेचर इसका डेबिट होता है, और जब फर्नीचर घटेगा तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ठीक है। और सेकेंड थिंग, फर्नीचर का घटना लॉस है तो लॉस के लिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, यानी कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, टू में क्या आ जाएगा, फर्नीचर। अमाउंट कितना इसका आ जाएगा, 50,000 एंड 50,000। नेक्स्ट, इसके बाद फिर से हम थोड़ी सी स्पेस छोड़ देंगे, ठीक है। इसके अंदर हमें एक और एंट्री पास करनी है, मैं आपको उसका लॉजिक सब जब समझाऊंगा तब करेंगे, ठीक है। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे कितने के हैं, 25,000 है और अब हो गए 20,000, ठीक है बेटा। क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी, और लायबिलिटी का घटना हमारे लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम क्या करेंगे, क्रेडिट फर्स्ट, और सेकंड अब क्या करेंगे, क्रेडिटर्स का नेचर क्या होता है, क्रेडिट, और जब ये घटेगा तो हम इसको अपोजिट कर देंगे यानी कि डेबिट। हमारी जर्नल एंट्री क्या पास हो जाएगी, ये हो जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, कितना आ जाएगा, 5,000 एंड 5,000। नेक्स्ट, अच्छा इसके लिए हमने एंट्री पास कर दी, थोड़ा सा स्पेस फिर से हम छोड़ देते हैं ये यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, बीपी कह रहा है बिल्स पेबल पहले हमारे जीरो थे, है ना, बिल्स पेबल जीरो थे। ऑलरेडी इसका सारा हम पहले कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं कि कैसे जीरो होता है, क्या होता है, कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज या फिर एसेट्स भी हो सकते हैं हमारे, यानी कि पहले हमारे पास कोई बीपी नहीं था, लेकिन जब आज रीअसेसमेंट करने लग गया तो पता चला कि हमारे पास एक बीपी भी है, यानी कि हमें किसी की पेमेंट करनी है, हमारे पास एक ऐसी लिस्ट निकल के आएगी कि हमें किसी को कुछ पेमेंट करना है, ये चीज हमें अभी आज पता समझ में आया, ठीक है, जो कि हमने किताबों में पहले लिखना भूल गए थे, यानी कि अब हमें वो नोट करेंगे और ये हमारे लिए एक क्या है, लॉस का पार्ट माना जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट। फोर्थ क्या चीज है, बीपी अकाउंट डेबिट, बिल्स पेबल अकाउंट तो डेबिट हो जाएगा, क्यों, क्यों, अच्छा सॉरी मैंने गलती कर दी, ये हमारे लिए क्या है, बीपी पहले जीरो था, अब 5,000 का हो गया लॉस, लॉस के लिए मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और बीपी एक लायबिलिटी बढ़ी है तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे, कितना आ जाएगा, 5,000 एंड 5,000। और इसकी एक और एंट्री पास होगी नीचे की तरफ, वहां पे हम स्पेस छोड़ देते हैं। लास्ट आते हैं एंट्री नंबर 5 पे, मोटर व्हीकल। हमारे पास एक मोटर व्हीकल थी जिसे हो सकता है कि हमने पहले ही राइट ऑफ कर दिया था, जीरो कर दिया था, लेकिन अभी
अभी जब हम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स कर रहे हैं तो पता चला कि जिसको आप क्या कहते हैं कि राइट ऑफ कर चुके हो, अभी मार्केट में उसकी कीमत कितनी है, 10,000 रुपए। तो उसको फिर से हम बुक्स में लिखेंगे, हमारे लिए प्रॉफिट का पार्ट है। जिस एसेट्स को राइट ऑफ कर चुके थे अब वो फिर से किताबों में आएगा। तो एसेट बढ़ेगा तो डेबिट, मोटर व्हीकल डेबिट, और टू प्रॉफिट के लिए एमआरए को हम क्या करते हैं क्रेडिट। अमाउंट कितना आ जाएगा 10,000 एंड 10,000। इसकी अभी एक और एंट्री पास होगी। बेटा अभी मैं आपको एक चीज समझाना चाहता हूं, अभी उस पर थोड़ा फोकस करना। अब मेन चीज आ गई, अभी तक जो हमने काम करा था ये सारा हमारा पिछला काम था, जो चीजें हमने पहले सीखी थी। देखो मैंने क्या करा, बिल्डिंग अकाउंट को तो मैंने डेबिट करा और टू एमआरए कर दिया। मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का पर्पस क्या होता है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का पर्पस होता है कि मैं नई किताबों के अंदर, जो मैं नई बैलेंस शीट बनाऊंगा उसके अंदर मुझे 6 लाख रुपए नहीं, मुझे चाहिए कि 5 लाख ही एज इट इज नजर आते रहे। अब ध्यान से सुनना, 5 लाख तो पहले से डेबिट थे और मैंने 1 लाख रुपए को और डेबिट कर दिया, यानी कि अब मेरी बिल्डिंग की कीमत कितनी हो गई, 6 लाख रुपए हो गई। ठीक है, तो अब 6 लाख हो गई, तो अब मैं उसे 5 लाख रुपए कैसे किताबों में नोट कर सकता हूं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। तो हम क्या करते हैं, हमने जितनी भी एंट्रीज ये पास करी हैं, इन सब की हम एक रिवर्स एंट्री पास करते हैं, यानी कि जहां पे मैंने बिल्डिंग को डेबिट करा है मैं बिल्डिंग को फिर से क्रेडिट कर दूंगा। बिल्डिंग की कीमत है कितनी, 5 लाख, मैंने 1 लाख से डेबिट करा, कितना हो गया, 6 लाख, और अब मैं फिर से 1 लाख से क्रेडिट कर दूंगा तो वो फिर से कहां पे पहुंच जाएगी, 5 लाख। फिर से मैं बोलता हूं, रिपीट करूंगा, ध्यान से समझना बेटा, बिल्डिंग इसका नेचर डेबिट होता है और 5 लाख से ही ऑलरेडी डेबिट है क्योंकि पहले से किताबों में नोटेड है, है ना। अब वो कह रहे हैं इसकी कीमत 6 लाख हो गई, यानी कि 1 लाख से और डेबिट कर दो। हमने कहा कि ठीक है 1 लाख से बढ़ गए वो तो ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा कि लेकिन हम किताबों में 5 लाख ही शो करना चाहते हैं। अगर 5 लाख है, 1 लाख से डेबिट कर दिया तो 6 हो गया, तो आपको एक रिवर्स एंट्री पास करनी पड़ेगी ये जो आपने करा है इसकी, सो दैट कि ये फिर से 5 लाख रुपए की हो जाए। बात समझ में आ गई आप लोगों को, अब आगे कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि जितना भी अभी हमने काम करा है पहले इसका हम प्रॉफिट लॉस निकाल लेते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, सो दैट कि आगे मैं जो भी आपको काम कराऊंगा वो आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले मैंने अभी तक क्या क्या करा है उसे समझते हैं। मैंने एमआरए को यहां पे क्रेडिट करा है, मैंने यहां पे टिक कर दिया, यहां पे डेबिट करा है, यहां पे मैंने इसको क्रेडिट करा है, यहां पे डेबिट करा है और यहां पे मैंने इसको क्रेडिट करा है, यानी कि मैंने एमआरए के मतलब ये मेरे लिए प्रॉफिट कितनी बार बना है, 1 लाख रुपए यहां पे प्रॉफिट बना, 5,000 रुपए यहां पे प्रॉफिट बना और 10,000 रुपए यहां पे प्रॉफिट बना, यानी कि 1 लाख, 5,000 और 1 लाख 15,000। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूं कि ये जो एमआरए है ये 1,15,000 से तो क्या है, क्रेडिट है फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट, अब मैंने डेबिट कितने से करा है उसके लिए मैं डबल मार्क करता हूं। देखिए 1, नेक्स्ट आ जाएगा 2, यानी कि 50,000 से डेबिट करा और यहां पे मैंने 5,000 से डेबिट करा है, यानी कि जो एमआरए है, एमआरए ये मेरा कितने से है, 55,000 से डेबिट है। ठीक है, यानी कि जो क्रेडिट है वो ज्यादा है और डेबिट कम है, यानी कि मुझे प्रॉफिट ज्यादा हुआ है और लॉस कम हुआ है, और मैं इसका अगर नेट इफेक्ट निकालूं तो कितना निकल के आ जाएगा, 115 में से 55 जाएंगे तो आई होप 60,000 आ जाएगा जो कि क्रेडिट नेचर का है। ठीक है, अब इस क्रेडिट नेचर को हम करेंगे क्या, अब कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलिए, आपको लास्ट तक क्लियर हो जाएगा कि हम कायदे में कर क्या रहे हैं, वो सारी बात आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है बेटा, ये जो 60,000 का क्रेडिट है इसे हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स में, वर्ड ध्यान से सुनना, पुराने पार्टनर्स पुराने रेशियो में। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो, पुराने पार्टनर्स पुराना रेशियो, यहां तो पुराने पार्टनर्स भी एबीसी हैं और नए पार्टनर्स भी एबीसी हैं। बेटा ये हम एक कौन सी कंडीशन लेके चल रहे हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर हम एडमिशन करते तो पुराने पार्टनर्स 3 या 4 होते और फिर एक पार्टनर बढ़ जाता नए पार्टनर्स में, रिटायरमेंट डेथ में डेफिनेटली 1 या 2 पार्टनर्स हमारे कम हो जाते। ठीक है, इसलिए इस लाइन को याद कर लेना, क्या पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बढ़ जाएगा जो भी मेमोरेंडम आपने बनाया है, जो नॉर्मल एंट्रीज पास करी है, यानी कि भी सिंगल एंट्रीज, है ना, यानी कि मैंने इसको अभी अपोजिट नहीं करा है, जो मैंने सिंगल एंट्रीज पास करी है इसका एक हम एंट्री पास करेंगे, क्या जो नेट इफेक्ट आया है 60,000 क्रेडिट का उसको अब हम खत्म करेंगे, यानी कि एंट्री क्या हो जाएगी, मैंने यहां पर बताया था कि अभी एक एंट्री और पास करनी है, हा? तो एक एंट्री की मैं स्पेस छोड़ देता हूं यहां पे और उसके आगे मैं आपको बता देता हूं
कि ये जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है इसको तो हम करेंगे डेबिट, यानी कि एंट्री नंबर 6 मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अच्छा, इसको डेबिट करेंगे और क्रेडिट किसको करेंगे, 2A 2B और 2C। अच्छा, कितने से डेबिट करेंगे, 60,000 से, और इसको हम पुराने पार्टनर से पुराने रेशो में पार देंगे, कितना आ जाएगा, 30,000। नेक्स्ट 30 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 3 18 और 12। मैंने अभी खाली एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एंट्री पास करी है, क्या मैंने जितने भी एसेट्स थे उन सबको मैंने रिवैल्यू कर दिया, और रिवैल्यू करने के बाद जो प्रॉफिट आया मैंने पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट दिया। अभी मैंने खाली एक सीक्वेंस में मैं चला हूं, अभी मैंने किसी को भी रिवर्स नहीं करा है, अभी बस इतनी बात समझना, ठीक है। अच्छा, जब ये सारा काम हो जाएगा अब हम रिवर्सल की एंट्री पास करेंगे। जब मैं इसको अकाउंट में पोस्ट करूंगा तब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा रिवर्सल क्यों कर रहे हैं। रिवर्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मैं चाहता था कि 5 लाख की चीज 5 लाख में ही नजर आए, है ना, जो 5 लाख का फर्नीचर है वो 5 में नजर आए, 6 में नजर ना आए। लेकिन मैं यहां पे तो 1 लाख बढ़ा चुका हूं, तो इसकी मैं एक सेकेंड एंट्री पास करूंगा, यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं क्या, 1 का 0.1 नहीं, इसे लिख देता हूं 1B, ठीक है, 1B। नेक्स्ट इसके अब इसकी एंट्री पास कर लेते हैं, इसकी रिवर्स एंट्री हो जाएगी 100%, यानी कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अब आप खुद देखिए, मैंने पहले क्या करा था, बिल्डिंग को डेबिट करा और अभी मैंने बिल्डिंग को क्रेडिट करके उसकी जगह पे वापस लेकर आ गया, यानी कि अब मेरे को नई किताबों में कितनी वैल्यू शो करनी पड़ेगी, सीधे 5 लाख रुपए, और अब मैं उसको नई कीमत पे नहीं लिखूंगा, क्यों, क्योंकि मैंने यहां पे एंट्री इसकी रिवर्स करके खत्म कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाता है, यह आ गया 2 और B, ठीक है, इसको हम सर्कल में नहीं डालते हैं, इसको मैं ऐसे क्रॉस में डाल देता हूं, ठीक है। नेक्स्ट यहां पे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फर्नीचर अकाउंट डेबिट और 2MRA, कितना, 50,000 and 50,000, ठीक है। नेक्स्ट कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा थर्ड का B, इसका आ जाएगा MRA डेबिट टू क्रेडिटर्स, कितना, 5,000 रुपए और 5,000 रुपया। नेक्स्ट फोर्थ का B, यह आ जाएगा BP डेबिट टू MRA, कितना, 5,000 and 5,000। नेक्स्ट MRA डेबिट टू मोटर व्हीकल, कितना, 10,000 and 10,000, यह आ गया 5 का B। बेटा मैं आपको फिर से बता देता हूं मैंने करा क्या है, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने का सिर्फ एक ही पर्पस है कि हम नई किताबों में पुरानी कीमत को शो करना चाहते हैं। अगर आप सिंगल एंट्री पास करोगे, यानी कि आपने सिर्फ इतनी एंट्री पास करी, तो उसकी वजह से 5 लाख की चीज 6 में हो गई, तो मैंने अब इसको यहां पे क्या कर दिया, रिवर्स कर दिया, समझना, इसका रिवर्स ये, इसका रिवर्स ये, ठीक है, इसका रिवर्स ये, इसका रिवर्स ये और इसका रिवर्स ये, ठीक है। अच्छा सर, इतना तो काम हो गया, और आपने एक काम और करा है, एक चीज और बताइए कि ये जो आपने फर्स्ट एंट्री पास करी थी उसका आपने नेट इफेक्ट निकाला, हाँ जी इसका मैंने नेट इफेक्ट निकाला है, और जो मैंने ये रिवर्स एंट्री पास करी है मैं उसका भी नेट इफेक्ट निकालूंगा, और मुझे उसकी भी एंट्री पास करनी पड़ेगी, और वही है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एंट्री, और उसके बाद हमारा मेन आंसर निकल के आ जाएगा, समझना कैसे। देखो अभी तक, अब मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं, आप अपने आप कैलकुलेशन कर लेना, यानी कि जब मैंने सारी एंट्री रिवर्स करी है तो 100% अब क्या हुआ होगा, जो मेरा MRA पहले 1,15,000 का क्रेडिट था अब वो 1,15,000 का डेबिट हो जाएगा, और जो MRA मेरा 55,000 का डेबिट आ रहा था अब वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा। यानी कि मैं कैसे कैसे बता रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि 1,00,000 रुपये, इसके बाद यहां पे कुछ है नहीं, यहां पे है, हाँ जी MRA को मैंने डेबिट करा है ये 2, और मैंने कहीं पे MRA को डेबिट करा है, खाली बी पार्ट हमें देखना है, खाली बी पार्ट, यहां पे MRA, यहां पे MRA, यहां पे MRA डेबिट है, यहां पे नहीं, यहां पे MRA डेबिट है 10,000 रुपए, यानी कि 1,00,000 से डेबिट यहां पे है, 5,000 से डेबिट यहां पे है, और 10,000 से डेबिट यहां पे है, यानी कि अब MRA कितने से डेबिट है,
MRA हमारा डेबिट है 115,000 रुपए से, ठीक है। 115,000 से अगर डेबिट है तो अब क्रेडिट कितने से है? अच्छा, मैं इस पॉइंट को यहां पे लिख देता हूं, 1,15,000 डेबिट। नेक्स्ट वन, अच्छा अब क्रेडिट देखते हैं, देखना कहां पे जो सेकंड एमएनआईटी पास करे भाई, यहां पे तो डेबिट था, हाँ जी ये रहा, तो इसको मैं ऐसे कॉलम में डाल देता हूं, ठीक है। 50,000 इसका ये रहा, अच्छा नहीं यहां पे तो डेबिट करा है, सॉरी ये रहा क्रेडिट। 50,000 और ये 5,000, टोटल कितना हो गया 55,000, 55,000 का क्रेडिट। और अब इसका नेट इफेक्ट निकालोगे तो ये 60,000 का डेबिट निकल के आ जाएगा, यानी कि इसका रिवर्स हो जाएगा सीधे सीधे, ठीक है। तो याद रखना ये जो 60,000 का डेबिट अभी निकल के आया उसकी भी हमें एंट्री पास करनी होगी, लेकिन उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे ये समझना, वो एंट्री मैं यहां पे पास कर रहा हूं, यानी कि 6 का बी पार्ट, 6 का जो बी पार्ट है वो मैं यहां पे पास कर रहा हूं, यहां से समझना आपको बेटा। 6 का जो बी पार्ट होएगा ये डेबिट नेचर है, तो इसको तो हम क्रेडिट करेंगे, एमआरए को तो क्रेडिट करेंगे, डेबिट किसको करेंगे? पार्टनर्स को। ध्यान से सुनना, नए पार्टनर्स में नए रेशियो में, अगर एडमिशन होगा तो नए पार्टनर्स को भी इंक्लूड कर लेना, रिटायरमेंट डेथ होएगा तो जो चला गया उसको आप इग्नोर कर देना, ठीक है ना। चलिए यहां पे इसकी एंट्री पास कर देते हैं, 3:2:1, यानी कि ए डेबिट, बी डेबिट, सी डेबिट टू एम आर ए, कितना कितना आ जाएगा? ए डेबिट हो जाएगा अपना, अच्छा यहां पे आया टोटल 60,000, 60 का कितना आ जाएगा 30 के बाद कितना आ जाएगा 20, और 20 के बाद कितना आ जाएगा 10। ये आपका जनरल एंट्री के थ्रू ये जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गया। मैं आपको एक चीज और इसके अंदर समझाना चाह रहा हूं, जो कि नेट इफेक्ट है, नेट इफेक्ट बोले तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं कि ये जो आपने एंट्री पास करी है, जो फाइनल एंट्री है, ये जो आपने फाइनल एंट्री पास करी है, इसका एक नेट इफेक्ट आपको शो करना है, ठीक है ना। नेट इफेक्ट कैसे आएगा समझना, मैंने यहां पे एक देखिए, एमआरए को मैंने क्रेडिट करा हुआ है 60,000 से, और मैंने एमआरए को यहां पे डेबिट करा है 60,000 से। बहुत ध्यान से समझना, इसका रिवर्स ये खत्म, 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 पूरा का पूरा ये टोटली निल हो चुका है। अभी अगर हमारे पास कुछ बचा हुआ है तो सिर्फ ये बचा हुआ है, बाकी सबकी कोई भी अब जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने सबको रिवर्स करके फिनिश कर चुका हूं, सिर्फ एक ये बचा है, एक ये बचा है, यानी कि अब इन दोनों का मैं बस एक नेट इफेक्ट निकाल के आपको शो करना चाह रहा हूं, आप प्लीज उस चीज को समझिएगा। ए देखो, एमआरए को मैंने क्रेडिट करा और एमआरए को डेबिट करा, फिनिश। अब देखो मैंने ए को तो डेबिट करा हुआ है, समझना, ए को डेबिट करा है 30,000 और ए को भी मैंने यहां पर डेबिट करा है 30,000, ये भी खत्म। नेक्स्ट, बी को मैंने डेबिट करा है 20,000 से, बी को डेबिट, देखो बी डेबिट हो रहा है 20,000 से और यहां पे बी क्रेडिट हो रहा है 18,000 से। भाई 20 से डेबिट, 18 से क्रेडिट, कौन जंग जीत गया? जंग तो ये जीत गया, कितने से? 2000 से। ये 2000 एक्सेस डेबिट है, यानी कि इसका इसका जो नेट इफेक्ट निकल के आ रहा है वो क्या निकल के आ रहा है कि जो बी है वो 2000 से डेबिट है। अब इस बात को मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है ना, समझना आप लोग, इस बात को मैंने यहां पर लिख दिया, जो बी है ये डेबिट है 2000 रुपए से। नेक्स्ट, सी को पकड़ते हैं, सी को मैंने डेबिट करा है 10,000, सी को मैंने डेबिट करा है 10,000 और सी को मैंने क्रेडिट करा है 12,000, यानी कि जो क्रेडिट है वो ज्यादा है कितने से? 2000 से, यानी कि 2C 2000 रुपए। अभी मैं अकाउंट बनाऊंगा और अकाउंट के अंदर आपको 100% यही चीज नजर आएगी, और अकाउंट के बाद हम करेंगे इसका एक फाइनल, क्या चीज? अकाउंट के बाद मैं आपको दिखाऊंगा इसका एक फाइनल, और जो कि हम बिना जर्नल एंट्री के और बिना अकाउंट के करते हैं एक स्टेटमेंट के थ्रू, ठीक है। अभी इसको फाइनल करते हैं, जल्दी से मैं मेमोरेंडम अकाउंट बना देता हूं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जर्नल एंट्री अगर आपको समझ में आ गई है तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा ईजी है आपके लिए। समझना, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया क्रेडिट साइड, ये हो गया डेबिट साइड, ये आ गया पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अच्छा, जनरल एंट्री पास करनी शुरू करते हैं। सबसे पहले बिल्डिंग 1,000 से बढ़ गया, प्रॉफिट, प्रॉफिट को हम यहां पे लिख देते हैं, बिल्डिंग कितने कीमत 1,00,000 रुपए,
अब समझना अकाउंट से, फर्नीचर 50,000 से घटिया, लॉस को हम यहां पे लिख देते हैं फर्नीचर 50,000। नेक्स्ट कितना है क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स हमारे घट गए हैं तो प्रॉफिट यहां पे आ जाएगा क्रेडिटर्स कितना 5,000 रुपए। नेक्स्ट आ जाएगा हमारा बीपी, बीपी बढ़ रहा है तो लॉस है, बिल्स पेबल कितने का, ये भी अपना 5,000 रुपए का। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा मोटर व्हीकल 10,000 से बढ़ रहा है, यहां पे आ गया मोटर व्हीकल कितना 10,000 आ जाएगा। टोटल इसका टोटल आ जाएगा 1,15,000, ये लो मैंने इसका टोटल यहां पे कर दिया 1,15,000। ठीक है, अच्छा अब हम यहां पे कर देंगे 1,15,000 और 1,15,000 का ये जो प्रॉफिट है मैंने आपको क्या बताया था, जो ऊपर का जो एक पोर्शन का प्रॉफिट निकल के आएगा उसका मैं क्या करूंगा, ये करूंगा मैं पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में, यानी कि प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए बी एंड सी कितना कितना, ये देखिए 1,15 में से 55 माइनस करोगे तो 60 और 60,000 को 5:3:2 में बांटोगे तो कितना निकल के आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 30,000, यहां पे आ जाएगा 18,000 और यहां पे निकल के आ जाएगा 12,000। ध्यान से सुनना, जो मैंने अभी एंट्री पास करी है वो मैंने स्ट्रेट फॉरवर्ड करी है, यानी कि पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 एंड पॉइंट नंबर 5, और इसके अलावा मैंने इसकी जो है ये सारी की सारी जर्नल एंट्री उतार दी। अभी तक आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते थे सेम एज इट इज ऐसा बनता था, मेमोरेंडम में आपको एक चीज एडिशन करनी है, क्या, जो चीज आपने यहां पे करी है सारी एंट्रीज को 100% रिवर्स करना है, सो दैट कि जो चीजें आपने बढ़ाई है या घटाई है वो वापस पे अपनी वापस अपनी स्पेस पे पहुंच जाए, ठीक है ना, अपने अपने प्लेस पे पहुंच जाए। सुनना ध्यान से, अभी मैं क्या करूंगा, जो मैंने बिल्डिंग बढ़ाई थी अब मैं क्रेडिट कर दूंगा, यानी कि अब मैं ये बी पॉइंट्स की एंट्री पास करने जा रहा हूं। मैंने यहां पे लिखूंगा सबसे पहले बिल्डिंग, बिल्डिंग कितनी कीमत है इसकी 1,00,000। नेक्स्ट आ जाता है क्या क्रेडिटर्स, जिसकी कीमत कितनी है 5,000। मोटर व्हीकल जिसकी कीमत कितनी है 10,000। नेक्स्ट फर्नीचर, फर्नीचर की कीमत कितनी है 50,000। नेक्स्ट बिल्स पेबल, इसकी कीमत कितनी है 5,000। ठीक है, अच्छा इसका टोटल अब हम करेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई 1,15,000, यहां पे भी सेम 1,15,000 और 1,15 में से 55 जाएगा तो बचेगा कितना 60,000 रुपया। अब ये 60,000 रुपए हमारे लिए क्या है, ये 60,000 रुपए अब हमारे लिए बन गया लॉस, यहां पे हम करेंगे लॉस ट्रांसफर टू किसको, ए को बी को सी को, किस रेशियो में, याद रखना पुराना वाला जो पुराना ऊपर वाला पोर्शन है, पुराना पार्टनर्स पुराना रेशियो, नए पार्टनर्स नए रेशियो में, जो 60,000 है 3:2:1 में कितना कितना आ जाएगा 60 का आ जाएगा 30, 20 एंड 10। अगर आप यहां से इनका नेट इफेक्ट निकालोगे तो वही चीज निकल के आएगी जो चीज हमने यहां पे करी है। बेटा अकाउंट और जर्नल एंट्री जो थी वो आपकी 100% यहां पे कंप्लीट हो गई। इसके अलावा मैं आपसे 5-7 मिनट और लूंगा और उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप जर्नल एंट्री नहीं, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली कहता है आपसे कि जर्नल एंट्री पास करो तो ये रही आपके पास जर्नल एंट्री, क्वेश्चन में कहता है अकाउंट्स बनाओ तो ये रहा अकाउंट्स, लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि नहीं किसी चीज की नीड नहीं है, आप बस एक काम करो एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, क्वेश्चन में क्या कहेगा एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करो और हम चाहते हैं कि जो पुरानी वैल्यूज है एसेट्स और लायबिलिटीज की वही किताबों में नजर आए और इसका इफेक्ट जो है एक सिंगल जर्नल एंट्री से पास करो, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए मैं अब आपको एक टॉपिक और बताता हूं उसमें हम फाइनल करेंगे। सबसे पहले आप अगर इसको नोट करना चाहते हो तो इसको नोट कर लीजिए, बेटा मैं यहां से जर्नल एंट्री ड्रॉप कर देता हूं और मैं यहीं पे वो पोर्शन आपको बता देता हूं। ठीक है, समझना स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट
ऑफ लायबिलिटीज। आप पूरी हेडिंग डाल देना, ये कुछ नहीं है। कुछ बच्चों को लगेगा कि इतनी लंबी चौड़ी हेडिंग है, नहीं नहीं, खाली मैंने लिखा है कि एक स्टेटमेंट है वो जो शो कर रही है कि हमें प्रॉफिट या लॉस होगा रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और लायबिलिटीज पे, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज में। तो उसे हमें क्या करना है, कैसे करना है? बेटा दो तीन तरीके हैं, कई लोग कई तरीकों से करते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम देखो, सबसे पहली चीज, अगर आप जर्नल एंट्री पास करोगे तो जर्नल एंट्री का मतलब हो गया कि आपने एक बार इसको डेबिट करा तो आपको क्रेडिट करके शो करना पड़ेगा। ये कंपलसरी है, क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री का मतलब ही क्या होता है कि आपने जर्नल एंट्री करी, यानी कि उसके बाद अकाउंटिंग क्या कहते हैं उसके लेजर अकाउंट बनेंगे और लेजर अकाउंट में उसकी पोस्टिंग होगी, और लेजर में पोस्टिंग का मतलब हो गया कि पांच वाली चीज में आपने 1,00,000 रुपए एड कर दिया, वो हो गई 6,00,000 की। तो अब आप उसके अंदर कुछ नहीं कर सकते, अब आपको 6 लिखना ही पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको बताया था कि जर्नल एंट्री अगर पास करोगे तो उसको अब हमें रिवर्स करना ही पड़ेगा, दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। लेकिन मैंने क्या करा, मैं अगर स्टेटमेंट बनाऊंगा तो स्टेटमेंट में मैंने क्या करा, मैंने कोई जर्नल एंट्री पास ही नहीं करी, मैंने तो कोई जर्नल एंट्री पास नहीं करी, मैं तो खाली इन दोनों का नेट इफेक्ट निकाल लूंगा, इन पांचों पॉइंट्स का मैं नेट इफेक्ट निकालूंगा और उसके लिए एक एंट्री पास मैं कर दूंगा, जर्नल एंट्री जो भी आएगी वो अभी हम समझते हैं क्या और कैसे पास करनी है बस। बट कॉन्सेप्ट को समझना, अगर आपने कंप्लीट जर्नल एंट्री पास करी इनकी तो आपको उसको रिवर्स भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अगर एंट्री पास कर दी तो वो रिवाइज हो जाएगी और रिवर्स करोगे तो वो फिर से अपनी स्पेस पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। हाँ, सेकेंड थिंग, जनरल एंट्री पास ही मत करो, आप एक स्टेटमेंट बना लो। हाँ, अच्छा, इसके अंदर हम क्या करेंगे, तो मैंने बताया कि कई टीचर्स कई तरीके से पढ़ाते हैं, आपकी इच्छा आप कैसे भी कर सकते हो, क्योंकि ये सिंपल स्टेटमेंट है। मैंने जैसे लिख दिया कि बिल्डिंग, मैंने कहा इंक्रीज इन बिल्डिंग, इंक्रीज, सॉरी, इन बिल्डिंग, इंक्रीज इन बिल्डिंग कितने रुपए से 1,00,000 रुपए, और मैंने इसको पॉजिटिव छोड़ दिया, मतलब ऐसे ही छोड़ दिया एज इट इज। फिर मैं लिखूंगा यहां पे क्या, डिक्रीज इन फर्नीचर। अब देखो, बिल्डिंग बढ़ा था तो प्रॉफिट था नॉर्मल, लेकिन इसकी वैल्यू घट रही है तो ये मेरे लिए एक लॉस का पार्ट है, तो इसको मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। नेक्स्ट आ गया क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स बढ़ रहे हैं घट रहे हैं? क्रेडिटर्स घट रहे हैं, तो मैंने यहां पर लिख दिया डिक्रीज इन क्रेडिटर्स। अच्छा, क्रेडिटर्स हमारे कितने से घट रहे हैं, 5,000, जो कि मेरे लिए प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट है तो हम उसको एज इट इज छोड़ देंगे। फिर आ रहा है क्या, इंक्रीज इन बीपी, बीपी हमारे बढ़ रहे हैं, कितने से, 5,000 से बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं तो हमारे लिए लॉस का पार्ट है, इसको मैंने फिर से ब्रैकेट में डाल दिया, ठीक है। बेटा बस याद रखना, जो प्रॉफिट है उसे नॉर्मल छोड़ दो, जो लॉस है उसे ब्रैकेट में डाल दो। मोटर व्हीकल, ये हमारे लिए प्रॉफिट है, यानी कि इंक्रीज इन मोटर व्हीकल, कितने रुपए का, 10,000 रुपए का, ये आ गया और यहां पे ये हो गया क्लोज, दैट्स इट। आपने इसको क्या करना है, आंसर निकाल देना है, 1,00,000, ये इसका बेटर नेट इफेक्ट जो निकल के आएगा, नेट आंसर निकल के आएगा, वो डेफिनेटली हमेशा देखना 60,000 ही निकल के आएगा। अच्छा, पहले आपका अगर प्रॉफिट निकल के आया था तो यहां पे भी आपका ये प्रॉफिट ही निकल के आएगा, यानी कि प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, है ना। वर्ड आप यहां पे रिवैल्यूएशन शो करना, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ठीक है ना। आपने लिख दिया कि यहां पे 60,000 का प्रॉफिट आ गया। अच्छा, अब इस 60,000 का हम करेंगे क्या, तो बेटा याद रखना जो आज तक हम पहले करते हुए हैं, जैसे कि जो जनरल रिजर्व हुआ करता था ना, हमने देखो क्या करा था, मैं सेम वही चीज कर रहा हूं, मैंने बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं करा। अगर जनरल रिजर्व के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम उसे क्या करते थे, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांट देते थे। छोड़ो, मैं उस बात को छोड़ देता हूं, ध्यान से सुनना। अगर जनरल रिजर्व के लिए वो कहते थे कि एक काम करो, हमें नई किताब में जनरल रिजर्व एज इट इज चाहिए, क्या जनरल रिजर्व हमें एज इट इज चाहिए नई किताबों में, तो हम उसके लिए 2 जर्नल एंट्री पास करते थे। क्या जनरल रिजर्व अगर नई किताबों में हमें एज इट इज चाहिए है तो उसके लिए हम 2 एंट्री पास करते थे, पुराने पार्टनर्स में पुराने रेशियो में बांटते थे और नए पार्टनर से नए रेशियो में मंगा लेते थे, ये 2 जर्नल एंट्री पास करते थे। और इसके अलावा दूसरा तरीका क्या था कि जनरल रिजर्व की अकाउंट को ना ही हम क्लोज करते थे ना ही ओपन, हम उसे सीधे सेक्रीफाइसिंग में बांट दिया करते थे, ठीक है ना। ठीक उसी तरीके से देखो इसका हम करेंगे, मेमोरेंडम का मतलब एसेट्स और लायबिलिटीज का। मैंने देखो क्या करा, जनरल एंट्री मैंने पास करी, पहले पुराने पार्टनर से पुराने रेशियो में बांटा था और इधर नए पार्टनर से नए रेशियो में, जो भी इसका नेट इफेक्ट था वो, है ना। एक तो हमने कर लिया और दूसरा क्या है, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ये नहीं, तो इसको हम किस रेशियो में करेंगे, इसे हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए मैं यहां से इसको थोड़ा सा रफ कर देता हूं, यहां पे हम निकाल लेते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो, किस किस का, पार्टनर्स का हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं, पूरा ही रफ हो गया, पहले कर देते हैं ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलता है अपना,
सेक्रीफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. कौन कौन? ए बी एंड सी. ठीक है जी. ओल्ड रेशियो कितना कितना हमें दे रखा है? 5/10, 3/10, 2/10, माइनस माइनस माइनस, 3/6, 2/6, 1/6. ठीक है. यहां पे कितना आ जाएगा? ये आ गया 60, यहां पे भी 60, यहां पे भी 60. ये कितना आ जाएगा? 6×5=30, 30-30. यहां पे कितना आ जाएगा? 18-20. यहां पे कितना आ जाएगा? 12-10. अब इसका नेट इफेक्ट निकाल देते हैं, जो कि मैं ब्लू कलर से लिख देता हूं. ये आ गया नील, यहां पे आ जाएगा 18-20, तो माइनस का 2/60, यहां पे 2/60. हम निकाल क्या रहे हैं? सेक्रीफाइसिंग. तो जो नॉर्मल है ये क्या है? सेक्रीफाइसिंग. और जो अपोजिट है ये कौन है? गेनिंग. ठीक है. एंट्री क्या होती है? ध्यान से सुनना बेटा, एंट्री यहां पे मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है. इस पे सबसे ज्यादा फोकस करना. अगर आपका आंसर निकल के आया है प्रॉफिट, ठीक है, अगर आपका आंसर निकल के आया है प्रॉफिट, तो आप करोगे गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, है ना. इन केस ऑफ प्रॉफिट, गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग, जो आज तक हम करते हुए आए हैं. यानी कि इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी गेनिंग. गेनिंग कौन है? गेनिंग है सी. हम लिखेंगे सी डेबिट टू, अच्छा सॉरी मैंने कुछ गलत कर दिया था, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग. गेनिंग कौन है? बी. बी डेबिट टू सी. अमाउंट कितना आ जाएगा भाई? जो भी टोटल प्रॉफिट है उसका 2/60, जो भी टोटल प्रॉफिट है उसका 2/60, यानी कि 2000 एंड 2000. प्लीज चेक करना, प्लीज चेक करो कि इस एंट्री में और इस एंट्री में क्या कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं है. और ये एंट्री क्या थी? इस वाली एंट्री का और इसके साथ में जो इसके अपोजिट एक मैंने एंट्री पास करी थी, उन दोनों का नेट इफेक्ट ये था. और देखो नेट इफेक्ट ये निकल के आया. और जो अकाउंट मैंने बनाए थे उसका अगर नेट इफेक्ट निकालते तो वही निकल के आएगा. अगर आपने नोट्स में देखा है या फिर वीडियो को थोड़ा सा बैक करो 5 मिनट का, तो वो आपको फिर से वही जाके चेक कर सकते हो नेट इफेक्ट. ठीक है. अच्छा सर, अगर प्रॉफिट निकल के आया, याद रखना प्रॉफिट निकल के आएगा तो गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग. लेकिन अगर यहां पे लॉस निकल के आ जाता बेटा, अगर यहां पे लॉस आता तो हमारी जर्नल एंट्री भी रिवर्स हो जाती, तब हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग नहीं, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स अकाउंट करते. यानी कि ये चीज हमारी पूरी की पूरी रिवर्स हो जाती. उम्मीद करता हूं आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ. थैंक यू.